ओम शांति। अज 6/6/2023 की बाणी है। बाबा आखते ने मिठे बच्चे आ शरीरी बन की मेहनत करो। आ शरीरी मतलब कोई भी देहिक धर्म नहीं, संबंध नहीं, इकली आत्मा बाप नू याद करती रहे। अज बाबा ने अपने बच्चों नू प्रश्न पूछा, तुसी बच्चों विच 100% बल कदों आवेगा, उसका पुरुषार्थ की है। अज बाबा का उत्तर है, तुसी बच्चे जदों याद की दौड़ी लगाते अंतिम समय ते पहुँचोगे तो 100% बल आ जाएगा। उस वेले किसी नू भी समझाओगे तो फौरन तीर लग जाएगा। इस दे लई देही अभिमानी बन दा पुरुषार्थ करो। अपने दिल दर्पण विच वेखो कि पुराने सब खाते याद दुबारा भस्म किते है। अज दा गीत है, तू प्यार दा सागर है, एक बूंद के प्यासे हम, ओम शांति। हुण बच्चे जानते हैं अल्फ माना बाप, आया होया है, गया भी है ना, बाप तो एक सैकंड विच जीवन मुक्ति मतलब स्वर्ग दी बादशाही मिलती है, क्योंकि बाप है स्वर्ग दा रचयिता। सैकंड विच जीवन मुक्ति बाप तो ही मिलती है, मनुख नू मनुख तो नहीं मिलती। बच्चा पैदा होया अते वारिस बनिया, पहले पहले जो कोई आंदा है ता उना तो फार्म भराया जाता है कि आत्मा दा बाप कौन है। कहा भी जाता है जीव आत्मा, पुण्य आत्मा, इवें नहीं कहा जाएगा जीव परमात्मा, बाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं, महात्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा बख रहे बहुकाल, ता जरूर परमात्मा नू ही आना है दुख तो लिबरेट करन। ता पहले पहले कोई आवे ता उना तो फार्म भराया जाता है। थोड़ी आत्मा ता बाप कौन है, शरीर दा बाप कौन है, दो चीज बख बख है, मैं अते मेरा, मैं आत्मा मेरा शरीर, अहम आत्मा दा रहन दा स्थान किथे है, फिर थोड़ी आत्मा दा बाप कौन है। इवें नहीं कहा जाएगा परमात्मा दा बाप कौन है। पहले अल्फ नू जाना है, वो है ट्रुथ ज्ञान सागर, वो सब दा बाप है। कोई मनुख जज आदि नू भी पता नहीं कि असी आत्मा वा हाँ। आत्मा ही शरीर ऑर्गन्स द्वारा कहती है मैं जज हाँ, मैं सर्जन हाँ। आत्म अभिमानी एक बाप ही बनाते हैं। हुण तुसी जानते हो असी आत्मा वा हाँ, बाकी ये सब शरीर ते संबंध है। शरीर के संबंध विच भी ये माँ ये बाप लगते हैं, आत्मा के संबंध विच भाई भाई है। पहले तो यह समझाना चाहिए है, गाया भी जाता है सैकंड विच जीवन मुक्ति का वरसा। जीवन मुक्ति कौन देण वाला है? सतयुग विच है जीवन मुक्ति, कलयुग विच है जीवन बंध। ये भी समझाना पए तो इत्थे फार्म भराण दा कायदा बहुत चंगा है। तुसी बच्चे जानते हो असी आत्मावां दे बाप तां इत्थे यादगार है, वो निराकार असी आत्मावां दा बाप है, असी साकार हाँ। निराकार दा भी यादगार है तां जरूर आया होवेगा ना। पातित नूं पावन बनाउण वाला, पुराने नूं नवां बनाउण वाला, दुनिया नवीं तो फिर पुरानी हुंदी है। दुनिया एक ही है, जरूर दुनिया दा रचयिता एक होवेगा, दो नहीं हो सकते। गॉड इज क्रिएटर, वह पुरानी दुनिया नू नवा बनाते हैं। नई दुनिया मतलब भारत स्वर्ग सी, गॉड इज वन, वर्ल्ड इज वन, सतयुग सी, हुण कलयुग है। प्राचीन भारत सी तो जरूर नवी दुनिया रचन वाले ने भारत नू नवा बनाया है। पहले जो कोई आते है तो उन्होंने ये राज समझाना है, तुसी आत्मा है, आत्मा पुनर्जन्म लेंदी रहती है, आत्मा के देही अभिमानी बनाते हैं, मैं जज हाँ, ब्रिस्टर हाँ, अते मैं क्रिश्चन धर्म का हाँ। ये सब शरीर के धर्म है, आत्मा अशरीरी है, तो कोई संबंध नहीं है, कोई धर्म नहीं है। आत्मा बख कर्मातीत हो जाती है, फिर नवे सिरे माँ बाप आदि संबंध बनते हैं। चोला बदलिया, पाठ बदलिया, माँ बाप सब नवे बन जाते हैं, आत्मा पुनर्जन्म लेंदी रहती है।
असल विच आत्मा निराकार है, निराकारी दुनिया विच रहिंदी है, फिर आत्मा शरीर धारण करती है, तां कहिंदे है इह मेरा नाम रूप है। हुण बाप बैठ बच्चियां नूं समझांदे है, तुसीं अपने नूं आत्मा समझो, तुहानूं वापस जाणा है। तुसीं 84 जन्मां दा पाठ बजाया है, तुसीं वरिष्ठ बने, राजा बने, हुण तुसीं विश्व दे मालिक बनदे हो। आत्मावां नाल गल परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं, एक गल किसी की बुद्धि विच नहीं है। वह तो कह देंदे आत्मा सो परमात्मा है, बाप आके सृष्टि के चक्कर का राज समझाते हैं। हुण तुसी जानते हो कि बरोबर असी 84 जन्मों का चक्कर लगाया है, हुण ये अंतिम जन्म है, वापस घर जाना है। मनुख कोशिश भी मुक्ति धाम विच जाण दी करदे है, असी आत्मा मुक्ति धाम विच दी रहवासी हाँ, पर देह अभिमान होने दे कारण जाणदे नहीं। असी आत्मा निराकारी दुनिया विच रहिंदे हाँ, उत्थों तो आए हाँ पाठ बजाउण, हुण भगवान नूं याद करदे हाँ, भगवान दे कोल जाण दे लई। तां पहले पहले ये समझाना है, आत्मा ते शरीर दो चीज़ां है। आत्मा विच मन बुद्धि है, चैतन्य है, आत्मा अविनाशी है, शरीर ते विनाशी है। सब आत्मावां दा बाप ओ निराकार परम पिता परमात्मा है, नॉलेजफुल है, उन्हां नूं ही गीता दा भगवान कहा जांदा है। सब भगतां दा प्यार प्यार है, प्यार दा सागर परमात्मा नाल, भगतां नूं किन्ना खिंचदे है, भगवान तां इक होना चाहीदा है। इतने सारे भगत है, सब पतित है, पतित पावन नूं याद करदे है तां जरूर इक निराकार होवेगा ना, बाकी सब उन्हां दी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, मनुख सृष्टि की रचना है, ऊंच ते ऊंच बाप परम धाम दा रहण वाला है। जिवें आत्मा स्टार है, उवें परम पिता परमात्मा भी स्टार है। बच्चों नूं समझाया है वर्ल्ड भी एक है, उन्हां नूं रिपीट करना है। जो भी धर्म है सब नूं चक्कर लगाना है, सब एक्टर पाटदारी है, किसी का भी पाठ बदल नहीं सकता, तां पाठ बजाना भी है। पहले पहले ये समझाना बहुत जरूरी है कि आत्मा का बाप कौन है। कहते हैं ओ गॉड फादर, एक किसने कहा आत्मा शरीर द्वारा बोलती है, आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है, ये है मुख्य गल। थानू किसी नाल ज़्यादा डिबेट आदि नहीं करनी है, है ही सैकंड विच जीवन मुक्ति। बाप बच्चों समझाते हैं, बच्चे तुसी देही अभिमानी बनो, इस समय यह पातित दुनिया है, गॉड फादर नूं ना जानने दे कारण अर्फन बन गए है। सतयुग विच ते परलब्ध भोगदे है, उत्थे बाप नूं याद करन दी कोई लोड़ ही नहीं। दुनिया नूं यह पता ही नहीं कि भारत वासियां नूं बाप तो परलब्ध मिलदी है, भारत स्वर्ग बन जाता है। नरक बनाउण वाली है माया, रावण भारत नूं नवे सिरे तो फिर पुराना होना ही है। समझो मकान की उम्र 100 बरे होगी तो 50 बरे के बाद पुराना कहांगे। उमें दुनिया नवे तो पुरानी बदलती है, फिर नई कौन बनावेगा, रिपीट किवें हुंदी है। दुनिया पावन सी, किसी ने तो बनाया होगा, पतित पावन एक ही बाप है, वो ही पावन बनाउणगे। पतित कौन बनाता है, पावन कौन बनाता है, ये कोई भी समझ नहीं सकते। हुण तुसी बाप दे बने हो, बाप माना बाप, बाप नूं आधा कोणा थोड़ी ना मन्या जांदा है, परंतु माया दे अभिमान विच ले आउंदी है। मेहनत सारी आशरीरी बन बाप नूं याद करन दी है, नहीं तां माया वड्डी दुश्मन है। याद दे बल नाल ही तुसी राज लैंदे हो, याद द्वारा ही तुसी बाप तो वरसा लैंदे हो, याद दा ही बल है। बाप कहते हैं देह सहित सारे संबंधों नूं भुल, मैनूं याद करो, क्योंकि मेरे को वापिस आना है। सतयुग है जीवन मुक्त, कलयुग है जीवन बंद। पंज विकारां रूपी रावण का बंधन है, उत्थे ये हुंदा नहीं, बाप आके लिबरेट करते हैं। बाबा आखते ने तुसी जानते हो भारत विच सुप्रीम पीस प्रॉस्पैरिटी सी, तां जरूर सुप्रीम फादर ने स्थापन किया होगा, आया होगा। बाबा आखते ने संगम ते आके भारत नूं जीवन मुक्त बनाते हैं, बाकी सब धर्मां दा
ਤਾਂ ਬਾਈ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਓਲਡ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਪ ਤਾਂ ਸੱਤ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਤ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਮਤ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੁਣ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ। ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਰਚਦਾ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯੱਗ ਰਚਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੱਗ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੈ ਰੁਦਰ ਗਿਆਨ ਯੱਗ, ਰੁਦਰਮਾਲਾ। ਬਾਪ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੱਗ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਪ ਬੈਠ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਨਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਰਾਜਯੁਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜਯੁਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮਾਨ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਹੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਦੇਹੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਭਿਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਾਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਤੱਕ 100% ਬਣਨਾ ਹੈ, ਦੌੜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਾਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੈ ਰੁਦਰ ਸ਼ਿਵ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਵਰਿਸਟਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਆਦਿ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲਾਡਲੇ ਬੱਚੇ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਵੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਖਾਨਾ ਆਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਗੋਡ ਫਾਦਰ। ਅੱਛਾ, ਫਾਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮਦਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਈਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਈਵ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਈਵ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਜਗਦੰਬਾ ਹੈ। ਈਵ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਗਦੰਬਾ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਧਾਰਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਹੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਮਾਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। 10-12 ਵਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਗੁੱਸਾਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਫਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਕਦੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਏ ਹਾਂ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ? ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਵਰਨ ਦੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹੋ। ਬਾਪ ਮਿਸਲ ਮਿੱਠਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੇਹੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣੋ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਤਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਤਾ ਭਸਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਅਗਨੀ ਮਾਨਾ ਯਾਦ, ਅਹਿਮ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਆਤਮਾ ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਹੈ।
परमात्मा कदे पुनर जन्म नहीं लेंदा है, तुसी तां सदा पुनर जन्म लेंदे हो। मेरा जन्म दिव्य अलौकिक है, मैं सधारण तन विच प्रवेश करदा हाँ, नहीं तां ब्राह्मण कित्थों आण, प्रजापिता ब्रह्मा भी बुजुर्ग चाहीदा, छोटा बच्चा तां नहीं चाहीदा। राधे कृष्ण नूं छोटा ही विखाउंदे है, छोटे बच्चे नूं इतने सब प्रजापिता कह नहीं सकदे है। तुसी मात पिता श्री कृष्ण नूं किवें कहोगे, हुण परम पिता परमात्मा गाइड बन के आया है, सब आत्मा नूं लै जाणगे। बाप तां चंगी तरह समझाउंदे है, पहले पहले फार्म भराओ, मूल गल है गीता दा भगवान कौन है, ਇਹ ਯੱਗ ਕਿਸਨੇ ਰਚਿਆ, ਰੁਦਰ ਯੱਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਯੱਗ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹੈ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਸਭ ਦਾ ਫਾਦਰ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕੀ ਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖਿਆ ਸਾਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪਰ ਦੇਹੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣ, ਦੇਹ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਭੁੱਲ, ਅਸੀਂ आत्मा भाई भाई ये पक्का करना है, बाप मिसल मिठा बनना है। नंबर दूजा, देही अभिमानी बन, बाप दा परिचय देना है। सैकंड विच जीवन मुक्ति दा वरसा बाप तो मिलता है, डिबेट किसी नाल भी नहीं करनी है। वरदान है जदा हिम्मत अते उत्साह द्वारा हर काम विच सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। हिम्मत अते उत्साह द्वारा हर काम विच सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। आज बाबा कहते ने भगती विच कहते है, हिम्मत उत्साह धूल नूं भी धन बना दिंदा है। तुहाडे विच जेकर हिम्मत अते उत्साह है तां दूजे भी तुहाडे सहयोगी बन जाणगे। धन की कमी होवेगी तां उत्साह कित्थों ना कित्थों धन नूं खिच के लियावेगा, सफलता नूं भी खिच के लियावेगा। तां जो नमित महान आत्मावां है उन्हां दा काम है खुद उत्साह विच रहना अते दूजिआं नूं भी उत्साह विच दिलाउणा। जदों हुण तुसीं अजिहे उत्साह विच रहे हो तां जड़ चित्रां विच सदा मुस्कुराउंदे होए शक्तिशाली चेहरा विखाउंदे हैं। स्लोगन अज दा, भगवान आत्मा भाग्यवान आत्मा वो है जिस दे बाप दादा ने स्नेह दी छत्र छाया है। भगवान भाग्यवान आत्मा ओ है जिस दे बाप दादा दे स्नेह दी छत्र छाया है। चंगा, ओम शांति।